यहाँ पे देखिए ये एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जो भी स्टीम इंजन है ना उन्हें कौन कौन सी फिल्मों के अंदर यूज़ किया गया है वो देखिए यहाँ पे लिस्ट है। गदर एक प्रेम कथा, ये देख सकते हैं कोयले से ये चलते थे, ये जो आप सामने जगह आप देख पा रहे हैं ना ये वाला होल, इसी जगह कोयला डाला जाता था और फिर ट्रेन चलती थी। इस रूम के अंदर बहुत सा कोयला है और देखिए ये कोयला डाला जाता था और फिर ट्रेन चलती थी। ये जो सामने स्टीम इंजन है इसे गदर फिल्म के अंदर यूज़ किया गया था, अगर आपने फिल्म देखी हो ना तो इसी ट्रेन को गदर फिल्म के अंदर चलाया गया था। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं आया हूँ हरियाणा के रेवाड़ी स्टीम लोक को और यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के बहुत ही पुराने स्टीम इंजन्स हैं। तो पहले जो ट्रेनें चला करती थी वो स्टीम इंजन से चला करती थी, यानी कि उनमें कोयला डाला जाता था और फिर वो ट्रेनें चलती थी। तो ऐसी ट्रेनें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही पुरानी ट्रेनें हैं यहाँ पर मौजूद। तो यहाँ पे जो स्टीम इंजन अवेलेबल है ना उनमें बहुत सी स्टीम इंजन ऐसे हैं जो अभी भी रनिंग कंडीशन में है, मतलब बहुत पुराना एक स्टीम इंजन है जो अभी भी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न रेवाड़ी स्टीम लोको का और ये यहाँ का एंट्रेंस है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही पुराने स्टीम इंजन्स दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो पुराने स्टीम इंजन्स हैं ना उनसे बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। अगर आपने गदर फिल्म देखी हो तो गदर फिल्म में एक ट्रेन यूज़ की गई थी, तो वो ट्रेन भी यहीं पे मौजूद है। सुल्तान फिल्म के अंदर जो ट्रेन यूज़ की गई थी वो भी यहीं पे मौजूद है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देखने को मिलेगी और कुछ नया इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो जगह है ना ये रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से समथिंग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न रेवाड़ी स्टीम लोको, यहाँ पे सामने ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। अब देखिए ये गेट है और यहीं पे ये टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से हम टिकट लेने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये टिकट काउंटर है और जो टिकट की जो रेट है वो देखिए यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने टिकट ले लिया है और अब हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और जो अब नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे स्कूल एक ट्रिप पर आई हुई है तो अभी हम चल रहे हैं आगे और देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। ये सामने लिखा हुआ है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न हेरिटेज शेड रेवाड़ी और ये बहुत से बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब। देखिए अभी आपको सामने दिखाई भी दे चुकी होगी एक स्टीम इंजन सामने खड़ा है, ये यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पे देखिए ये एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जो भी स्टीम इंजन है ना उन्हें कौन कौन सी फिल्मों के अंदर यूज़ किया गया है वो देखिए यहाँ पे लिस्ट है। गदर एक प्रेम कथा, ब्रत चित्र, टेलीफिल्म, गांधी, माय फादर, रंग दे बसंती, पार्टीशन, गुरु, लव आजकल, वीर, प्राणायाम, गैंग्स ऑफ वासेपुर, भाग मिल्खा भाग, स्टेरिंग, एकता चंदर, जोनी सार, की एंड का, सुल्तान, करीब करीब सिंगल, विजय, तमिल फिल्म है राइफल मैन, जसवंत सिंह रावत और भारत। तो ये बॉलीवुड फिल्में हैं जो कि यहाँ पे शूट हो चुकी है और कौन कौन से इंजन इन फिल्मों के अंदर यूज़ किए गए हैं, कौन से ईयर के अंदर यूज़ किए गए हैं वो सब आप देख सकते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके और देखिए जो यहाँ का नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से। इधर ये बेसिकली एक पार्क है, ठीक है, और जो मेन जो रेवाड़ी स्टीम लोको है जहाँ पे स्टीम इंजन्स हैं वो देखिए ये सामने है। पूरा इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये रेवाड़ी स्टीम लोको विज़िट करवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंजनों पर चढ़ना सख्त मना है, जुर्माना है 200 रुपये का। देखिए दोस्तों ये एक पुराना स्टीम इंजन है, यहाँ पे ये देख सकते हैं
कोयले से ये चलते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से इन ट्रेनों को चलाया जाता था और कहाँ पे कोयला डाला जाता था। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए सामने यहाँ पे अभी भी कोयला है, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो आप सामने जगह आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला होल, इसी जगह कोयला डाला जाता था और फिर ट्रेन चलती थी। ये इसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस प्रकार से बहुत से मीटर लगे हुए हैं। और ये देखिए ये स्टेयरिंग है, 3438 इसका नंबर है। और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये इधर कुछ कार्यालय बने हुए हैं और ये देखिए सामने अभी और भी आगे बहुत से स्टीम इंजन हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कितने पुराने स्टीम इंजन हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो स्टीम इंजन है ना, उनका मतलब रिपेयरिंग की जाती है और अभी भी बहुत से इंजन हैं जो रनिंग कंडीशन में चलते हैं, अभी भी चलाया जाता है, इन्हें अच्छे से मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे रेवाड़ी स्टीम लोको के अंदर। तो देखिए ये इस ट्रेन का यहाँ पे नेम बोर्ड है, यहाँ पे रेवाड़ी किंग इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके 2151 इसके नंबर हैं, ठीक है। वहाँ पर आगे भी बहुत सी ट्रेनें हैं। उससे पहले देखिए मैं आपको एक ऐसा इंजन दिखाता हूँ जो कि वो बहुत पुराना है और अभी भी रनिंग कंडीशन में चलता है। बेसिकली ये जो आप इंजन आप देख पा रहे हैं ना, फेरिक फिन, ये इंजन वर्ल्ड का ऐसा इंजन है जो मतलब बहुत पुराना है और अभी भी रनिंग कंडीशन में है। तो ये फेरिक फिन इंजन है जो, इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ फेरिक फिन, देखो भाई साहब क्या मस्त नज़ारा है। और ये फिर से उधर सामने स्टीम इंजन है, अभी हम और आगे चल रहे हैं। देखिए वो आज़ाद है सामने, आज़ाद स्टीम इंजन। और देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे रेवाड़ी स्टीम लोको के अंदर देखिए अभी भी मतलब यहाँ पे जो भी हैं जो स्टीम इंजन है तो कोयले से चलते थे। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सा कोयला है, यहाँ पे इस रूम के अंदर बहुत सा कोयला है और देखिए ये कोयला डाला जाता था और फिर ट्रेन चलती थी। देखिए दोस्तों ये जो स्टीम इंजन आप देख पा रहे हैं ना, इसके देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही इसके कलर पेंट हुआ है नया, ये आज़ाद है। और उधर भी कुछ वो है मतलब स्टीम इंजन है, तो इन्हें आप देख सकते हैं यार, बहुत पुराने स्टीम इंजन है यहाँ पे। और अभी हम जब यहाँ पे आए थे तो इसका रिपेयरिंग किया जा रहा था। ये देखिए आज़ाद 7200, ये देखिए ये इसके पार्ट्स हैं जो खोले हुए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्टीम इंजन है ना, जैसा कि ये जो सामने स्टीम इंजन है, इसे गदर फिल्म के अंदर यूज़ किया गया था। अगर आपने फिल्म देखी हो ना तो इसी ट्रेन को गदर फिल्म के अंदर चलाया गया था। और इस ट्रेन का, इस स्टीम इंजन का नाम है अकबर, 7161 इसके नंबर हैं। तो इस ट्रेन को गदर फिल्म के अंदर चलाया गया था, सुल्तान फिल्म के अंदर भी इसी ट्रेन को चलाया गया था। इसी ट्रेन के साथ साथ में सलमान खान रनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पे बहुत से स्टीम इंजन हैं। अभी हम आगे चल रहे हैं और ये देखिए 7161,
जो इंजन है, और ये देखो अंदर से नज़ारा। मैंने अभी आपको बताया था ना कोयला, तो वो कोयला देखिए यहाँ पे, ये जो सामने ये वाला जो होल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डाला जाता था और फिर ट्रेन चलती थी। ये स्टेयरिंग वगैरह है यहाँ पे। तो ये जो स्टीम इंजन है ये अभी भी चलता है बेसिकली। ये देखो ये छोटी ट्रेन, छोटे स्टीम इंजन यहाँ पे बनाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है एग्जिबिट रूम, तो इसके अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। Thank you.